एक औरत की खूबसूरती, धन दौलत, बाल बच्चे सब चले जाते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें उसके हाथों में नहीं होती, पर उसका आत्मसम्मान उसके हाथों में होता है। उसे अपने हाथों से कभी छूटने मत देना गुंजन। बाकी तुम्हें खुद अपने में समझ है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यू नो व्हाट मौसी जी, मैं जानती हूं कि महक मुझसे बहुत प्यार करता है, और इसीलिए उसने गुस्से में आके ये सब कुछ कह दिया। वो कहते हैं ना, प्यार और गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं जानती हूँ उसे खुद को बहुत बुरा लग रहा होगा, और वो ना वो खुद ही मुझसे आकर माफी मांगेगा, और मैं उसे फौरन माफ कर दूंगी। सच बोलिएगा भैया, आप गुंजन को चाहते हैं ना? आपकी आंखों में हमें नजर आ रहा है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर देर किस बात की? एक सॉरी बोलकर टूटा हुआ दिल जोड़ दीजिए ना, प्लीज। एक सॉरी बोल के बात ठीक नहीं की जा सकती रचना। गुंजन ने गलती की है और उसे मुझसे आके माफी मांगनी चाहिए। अब बस सावित्री, अरे उनके घरेलू मामले से हमें क्या लेना देना? आप भी ना टू मच हैं। कैसे लेना देना नहीं, उनके घर की बेटी हमारे घर की बहू बनकर आ रही है, और आप हैं कि कह रहे हैं क्या लेना देना। सिर्फ वो आ रही है, अपना घर साथ में नहीं ला रही। अपने एक्सपर्ट कमेंट देने की बजाय जरा दयाल जी के बारे में सोचो, क्या गुजर रही होगी उनपे कि बच्चों की तू तू मैं फंस गए बेचारे। चाहे गुंजन हो या मयंक, दोनों अभी बच्चे ही है ना। लेकिन भाई साहब, मयंक को जरा भी अक्ल नहीं की। सिर्फ समझ के हेर फेर है प्रभु, और कुछ भी नहीं है। उसी की वजह से दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई। बस हमें लगता है दोनों को और समय देना चाहिए। बेहतर यही होगा कि हमारे और हमारे बेटे के बीच में कोई नहीं आए। कोई नहीं का मतलब कोई भी नहीं। नहीं आएगा, वैसे भी उस नालायक से कौन बात करना चाहता है। लेकिन अपने लाडले को समझा देना, घर में इस परिवार में ऐसे ड्रामे नहीं चलेंगे। हाँ हाँ, हम अच्छी तरह से जानते कि असल में ड्रामा कौन कर रहा है। तुम्हें ने कहा था ना कि हर रिश्ते के लिए भरोसा, समझौता बहुत जरूरी होता है। बेटा सारी जिंदगी निकल जाती है और लोग ये सीधी सी बात नहीं समझ पाते। अगर थोड़ी सी बात करके बात बन सकती है तो क्यों नहीं। हेलो मयंक जी, सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो। नहीं नहीं चारू, बोलो। आप ठीक है ना? या? हमने बस आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया। And I'm sure, गुंजन ने अब तक आपको सॉरी बोल दिया होगा, है ना? क्या गुंजन ने अब तक सॉरी नहीं कहा आपको? So sad. गुंजन आपको सॉरी कह सकती थी, आफ्टर ऑल गलती गुंजन की है, बेचारी बच्ची है ना। समझती नहीं है कि प्यार में ईगो के लिए कोई जगह नहीं है, है ना मयंक जी? जाओ गुंजन, भैया से जाकर बात करो। थैंक यू चारू, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी अच्छी हो। अगर ऐसे वक्त में तुम जैसे एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। लीली चारू, आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं। चोट सबसे ज्यादा मुझे लगी थी मयंक, मुझे। और तुम चारू को सॉरी बोल रहे हो। तेरी फीलिंग्स, मेरा दुख, मेरा दर्द तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं।